जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने पिछड़ा आरक्षण वापस करो वापस करो वापस करो। अपने पिछड़ा का आरक्षण वापस करो वापस करो वापस करो। फिर यार हमें क्या अमर रहे अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोगों ने समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। इन लोगों ने 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी को भी सौंपा। अपने ज्ञापन में इन लोगों ने मांग की है कि नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ा को दिए जाने वाला आरक्षण हर हाल में लागू हो। इन लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और गलत रवैये के कारण ही न्यायालय ने अति पिछड़ा के आरक्षण पर रोक लगाई है, जिसे जल्द दूर किया जाए और अति पिछड़ा को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दिया जाए। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की गई। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अलग से सीटें आरक्षित करने की भी मांग इसमें शामिल है। साथ ही जातिगत जनगणना कराकर संख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये भी लोगों की मांग है। संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्री मांगों का लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांगे ये है कि अति पिछड़ा का आरक्षण जो अभी नगर निकाय से समाप्त हुआ है कोर्ट के माध्यम आदेशों के अनुसार, तो इसमें मैं जानता हूं कि सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत, मतलब ये चीज उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी उसकी हम लोगों को आरक्षण चाहिए, किसी हर हाल में वो आरक्षण चाहिए। दूसरा हमारा है कि बिहार में जनसंख्या की जनगणना सरकार करा ले, उसके बाद आरक्षण हमारा लागू करें। तीसरी हमारी मांग है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। और चौथी हमारी मांग है कि अति पिछड़ा समाज का लोकसभा में और विधानसभा में भागीदारी हो, जिस तरह से कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति जनजाति का कहीं ना कहीं आरक्षण प्राप्त है, उस तरह से स्पेशल मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि अति पिछड़ा समाज की स्थिति दयनीय है, इसलिए इसका रिजोल्यूशन देकर उच्च न्यायालय में सदन में भी इन लोगों का आरक्षण का प्रावधान। बता दें कि धरना दे रहे लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए, साथ ही संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।